दोस्तों, आज की कहानी में है अपने प्राचीन इतिहास की वो सनसनी और दिमाग को हिला देने वाली गाथा जिसने मगध साम्राज्य का विनाश कर दिया। माँ बेटे के रिश्तों को बदनाम करने वाली सम्राट अशोक की वह पटरानी जिसने अपने वासना की आग में अपने सौतेले पुत्र की आंखें निकलवा कर मौत के घाट उतार दिया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य और बौद्ध धर्म की एक अनकही कहानी। समय के चक्र में कई राजवंश आए और गए। उनके पतन के कारण पहले से ही बन चुके थे। आज बात करते हैं एक ऐसे राजवंश की जिसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर गांधार, मध्य में उज्जयिनी, विदर्भ, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तक फैला था। कालांतर में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने इस साम्राज्य को बदल दिया। एक हिंसक सम्राट को अहिंसक, न्यायप्रिय और प्रियदर्शी सम्राट में बदल दिया। सम्राट अशोक और मगध इतिहास से कौन परिचित नहीं है। नंद वंश के विनाश के बाद चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। उसके बाद उनके पुत्र बिंबिसार और फिर अशोक, जिन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सम्राट अशोक ने साम्राज्य का खूब विस्तार किया, लेकिन कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार और विनाश ने उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना कर प्रजा और अपने जीवन को अहिंसा की ओर प्रेरित किया। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उनके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कहते हैं, स्त्री किसी पुरुष की सफलता और पतन दोनों की कारण हो सकती है। आइए कहानी के मुख्य पात्र तिश्यरक्षिता के बारे में जानते हैं। वह एक ऐसी साम्राज्ञी थी जिसके बारे में इतिहास में कम लिखा गया है, लेकिन उसने ही मौर्य वंश के पतन की इबारत लिख दी थी। उसने बोधि वृक्ष को क्रोध में आकर कटवा दिया था, लेकिन सौभाग्यवश वह वृक्ष सूखा नहीं। वह महारानी थी, पट महिषी थी, एक परिचारिका थी, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी खलनायिका और क्रूर रानियों में से एक थी। परिचारिका से रानी बनने का सफर जितना रोमांचक था, उतना ही उसका रहस्यमय व्यक्तित्व था। वह मगध सम्राट अशोक की सबसे जवान रानी थी। रनिवास में हर उम्र की रानियां थी, लेकिन उनमें तिश्यरक्षिता अनुपम सुंदरी थी। अशोक की पटरानियों में देवी कौरव की, असंधि मित्रा, पद्मिनी और वह स्वयं थी। तिश्यरक्षिता किसी राज परिवार या किसी श्रेष्ठ वर्ग से ताल्लुक नहीं रखती थी। वह एक गरीब, अनाथ और बेहद साधारण लड़की थी, जिसे बचपन से ही श्रीलंका के ताम्रपर्णी राज परिवार में रानी की सेवा में रखा गया था। एक बार राजा तिश्य अपनी रानी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। रानी के साथ परिचारिकाएं भी थी। अचानक एक काला नाग झुरमुट से निकलकर राजा को डस गया। सब हड़बड़ा गए। सैनिक उस सांप को खोजने लगे। परिचारिका के रूप में तैनात तिश्यरक्षिता ने राजा की जान बचाने के लिए सांप का विष अपने मुंह से निकाल दिया। इसके बाद वह मूर्छित हो गई, लेकिन राजवैद्यों ने उसे बचा लिया। इस घटना के बाद उसका नाम तिश्यरक्षिता पड़ा, जिसका अर्थ है राजा तिश्य की रक्षा करने वाली। इसके बाद वह राज परिवार की सबसे विश्वस्त और अमूल्य निधि बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। महारानी देवी की संतान महेंद्र और संगमित्रा को राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे धर्म के प्रचार में लगे रहते थे। महेंद्र श्रीलंका गए और वहां राजा तिश्य को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया।
जब महेंद्र लौटने लगे तो राजा ने उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की, उनमें तिश्यरक्षिता भी शामिल थी। यौवन अवस्था की दहलीज पर पग रख चुकी वह एक चित्ताकर्षक रूपसी थी। राजकुमार महेंद्र के साथ जब तिश्यरक्षिता राजदरबार में आई तो सभी उसकी सुंदरता को निहारते रह गए। सम्राट अशोक भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। तिश्यरक्षिता एक शातिर महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसकी साम्राज्ञी बनने की चाह अब जल्द ही पूरी होने वाली थी। सम्राट अशोक तिश्यरक्षिता के रूप यौवन में ऐसे मुग्ध हुए कि कुछ समय बाद उससे विधिवत विवाह कर लिया। महारानी बनने के बाद तिश्यरक्षिता को कई शक्तियां हासिल हो गईं। एक आम स्त्री से खास रानी का सफर शुरू हो चुका था। आज तिश्यरक्षिता उद्यान में अपनी दासियों के साथ विहार कर रही थी। पुष्पों पर भौरों को मंडराते देख उसका मन उल्लासित हो रहा था। तभी उसे शोर सुनाई दिया। ये कैसा शोर आज रनिवास में है, उसने दासी से पूछा। दासी ने आश्चर्य व्यक्त की और तिश्यरक्षिता से पूछा, आप राजकुमार कुणाल को नहीं जानती? ये राजकुमार कुणाल है जो महारानी असंधि मित्रा से मिलने के लिए आ रहे हैं। वे रानी पद्मिनी के पुत्र हैं। राजकुमार का पदार्पण हो रहा था। तिश्यरक्षिता कौतूहलवश आगे बढ़ी। कुणाल महारानी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी नजर तिश्यरक्षिता पर पड़ी जो अपलक उन्हें देख रही थी। कुणाल ने कहा, प्रणाम माते। तिश्यरक्षिता ने सर झुकाकर अभिवादन स्वीकार किया। कुणाल ने आगे कहा, आपकी सुंदरता की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। तिश्यरक्षिता का दिल पहली बार जोरों से धड़का। उसके मन में प्यार का अंकुर फूट पड़ा। नियति ने उसके जीवन से खेल किया था। एक राजा के राज्य से दूसरे वृद्ध राजा के शयन कक्ष तक का सफर उसकी इच्छा के बिना ही था। समय बीत रहा था। तिश्यरक्षिता को राजकुमार कुणाल से प्यार हो गया था। उसने अपने प्यार का इजहार करने का निश्चय किया। राजकुमार के आने पर उसने कहा, आपकी सुंदरता ने मुझे घायल कर दिया है, मैं आपसे प्रेम करती हूं। कुणाल ने उसे डांटा और कहा, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, मेरी माता समान है। मैं एक विवाहित पुरुष हूं और अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। इस तरह के अनैतिक कथन पर आपके सिवा कोई और होती तो मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होती। राजकुमार के इनकार से तिश्यरक्षिता का अहम चूर चूर हो गया। उसने बदला लेने की ठानी। कुछ समय बाद सम्राट अशोक की तबीयत बिगड़ गई। तिश्यरक्षिता ने उनकी खूब सेवा की। अशोक अब पूरी तरह से तिश्यरक्षिता के काबू में थे। राजकाज में अब तिश्यरक्षिता का हस्तक्षेप बढ़ गया था। उसने सम्राट से आग्रह किया कि कुणाल को तक्षशिला कूच कर विद्रोह का दमन करने का आदेश दे। अशोक ने कुणाल को तक्षशिला भेज दिया। इस बीच तिश्यरक्षिता ने सम्राट अशोक से राज मुद्रिका हासिल कर ली। फिर उसने एक राज आज्ञा लिखवाई और उस राज आज्ञा पर राज मुद्रिका अंकित कर दी, जिसमें कुणाल के दोनों आंखें निकलवा लेने का फरमान था। कुणाल तक्षशिला पहुंचे तो उन्हें वही आदेश मिला कि उनकी आंखें निकालकर उनका वध कर दिया जाए। कुणाल ने पितृ आज्ञा की मर्यादा रखते हुए अपनी आंखें निकलवा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तक्षशिला में हाहाकार मच गया। खबर पाकर तिश्यरक्षिता अपने कक्ष में अत्यंत आनंदित थी। जब सम्राट को यह बात पता चली, वे आग बबूला हो गए। उन्होंने तिश्यरक्षिता को जलाने का आदेश दिया। तिश्यरक्षिता को चौराहे पर जला दिया गया। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। कुणाल के पुत्र को कार्यवाहक सम्राट बनाया गया। उसने कुछ वर्षों तक शासन तो किया, लेकिन साम्राज्य कमजोर हो गया और धीरे धीरे उसका पतन हो गया। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए।